नाउ कंसीडर द सेकेंड क्वेश्चन. कहता है कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बीज वेयर फिफ्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज ऑलवेज. हम बी को क्या कर दे रहे हैं, हम बी को ए कर दे रहे हैं. ओके तो देखते हैं कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा. कहता पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज, वो देखते हैं. मेरे पास इस लैंग्वेज के जितनी भी स्ट्रिंग है उनका पैटर्न ये है. इस साइड को लेफ्ट बोल रहा हूं, इस साइड को राइट बोल रहा हूं. ओके इधर राइट है तो देखना फिफ्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करनी है. एक्स 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 एक्स, चार सिंबल हो गए. उसके बाद ए है एंड देन वाई, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. तो ये एक्स क्या है, ए कॉमा बी में से कोई एक सिंबल है, चाहे आप ए ले लो ओके और चाहे बी. सिमिलरली ये एक्स क्या है, ये भी ए या बी में से कोई एक सिंबल. ये क्या है, ये भी ए या बी में से कोई एक सिंबल. ओके ये क्या है, ये भी ए या बी में से कोई एक सिंबल. तो अगर आप एक्स एक्स की जगह ए या बी में से कोई एक सिंबल, ए या बी में से ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो सब ए या बी की बनी हुई है. अगर इस क्वेश्चन में ये होता यहाँ पर कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज बीज एंड सीज इनपुट अल्फाबेट में ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाता, तो फिर यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी हो जाता, ए बी ए या बी या सी में से कोई एक. ओके आपने ये क्या कर दिया, इसको ये कौन सा है, ये है फिफ्थ प्लेस. तो फिफ्थ प्लेस को इसको इसको क्या कर दिया है आपने, इसको फिक्स कर दिया है आपने. ओके ये फिक्स कर दिया. और वाई क्या है, वाई है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या एप्सिलॉन. ओके तो ये हो गया भाई. अब हमको क्या करना है, सिंपल कंस्ट्रक्शन करना है. देखते हैं कैसे. तो मैंने कहा कि ये सिनेरियो बनाना है, चार पोजीशन तो पहले ये फिक्स करनी है और पांचवी भी फिक्स करनी है. ओके तो हम क्या करने वाले हैं, चार पोजीशन फिक्स करते हैं पहले. तो मैंने ये लिया एक दो तीन चार और ये पांच. ओके ये पोजीशन मैंने फिक्स की है. कैसे पोजीशन फिक्स की है ये देखते हैं. ये स्टेट्स बना दी, इसको फाइनल भी कर दिया पहले से ही. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. ओके पहली पोजीशन पे क्या था, ए या बी में से कोई. दूसरी पोजीशन पर ए या बी में से कोई. तीसरी पोजीशन पर ए या बी में से कोई. चौथी पोजीशन पर ए या बी में से कोई. पांचवी पोजीशन पर ए है. ओके और पांचवी पोजीशन पर ए एक बार फिक्स हो गया तो फिर वाई क्या है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज. तो हम यहां लूप लगा देंगे इस तरह का. ओके अब अगर देखना है आपको कि सिस्टम कंप्लीट है कि नहीं, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री यहां तक कोई इशू नहीं, क्यू फोर कंप्लीट नहीं है. ए का ट्रांजिशन हो रखा है, बी का ट्रांजिशन आप दिखाएंगे. ओके और ये कौन सी स्टेट है, ये है डेड स्टेट. ओके ये है डेड स्टेट. तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो गया. ये क्या है, ये है एम डी एफ ए फॉर द गिवन प्रॉब्लम. ओके अब इस पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन देख लो. पिछले इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यहां थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट कहा था क्या, बी. तो कितनी स्टेट आई थी, पांच. यहां पर फिफ्थ सिंबल कहा है आपने, फ्रॉम लेफ्ट इज ऑलवेज ए. तो देखो यहां पर पांच एक छह, छह स्टेट लग रही हैं. ओके यहां पर आपने तीन तीन छह एक सात, सॉरी सात स्टेट लग रही है. हमने क्यू जीरो से किया था तो एक स्टेट ये भी हो गई. इसमें कितनी स्टेट लग रही हैं, सेवन. पांच था तो सेवन, थ्री था तो फाइव. ओके तो उसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन है. मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एनथ सिंबल फ्रॉम एनथ सिंबल फ्रॉम राइट नहीं एनथ सिंबल फ्रॉम
लेफ्ट. nth सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज ए और बी, इनमें से कोई एक सिंबल है. तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो कितनी, n प्लस टू. थ्री था तो फाइव, थ्री प्लस टू, यहां फिफ्थ है तो सेवन है ये टोटल, फाइव प्लस टू सेवन. ओके एंड दैट्स डन.